नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री आर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ का जो अभी मेंस हुआ है उस एग्ज़ाम का। अभी टाइम नहीं मिल पाया था तो अभी लेट हो गया हूँ थोड़ा समय। आपको एनालिसिस मैं दे दूँ, आपको एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और जीए और कंप्यूटर ने बच्चों को हिला के रख दिया है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो पैटर्न बनते हुए जा रहा था, थोड़ा सा इन्होंने मतलब लीक से हट के पेपर बनाया है। ठीक है, तो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताइए बता दूं कि देखिए, जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, पेपर अच्छा आया हुआ था। अब कुछ अटैम्प्ट की बात करते हैं। जो कंप्यूटर अवेयरनेस थी उसमें आप देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा अच्छा लेवल था। आप अगर 20 से 25 अगर आपने क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस क्या था, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन अधिकतर अप्रैल मई जून उस टाइम के क्वेश्चंस आए थे उस महीने के, और स्टैटिक अवेयरनेस बहुत कम आई थी। अधिकतर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें उस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे, और स्टैटिक अवेयरनेस क्वेश्चन बहुत कम आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे। और मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन हुआ वो हुआ कि बच्चे अधिकतर 2-3 महीने के पढ़ के गए थे, और जिन जिन बच्चों ने 2-2 3-3 महीने के पढ़ के गए थे उनका जीए पोर्शन बहुत ही मतलब उनका बहुत बेकार हुआ जीए का पोर्शन, और वहीं से उनकी पेस थोड़ी सी हल्की हो गई थी। अब देखिए, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में जो बेसिक जो हमारा इजी वे में हो जाता है वो उसको कर लो, तो टोटल आपका 22 से 27 ईजिली, आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो एग्ज़ाम था, और 22 से 27 अगर जिन्होंने किया होगा तो अच्छा किया है। क्वांट में आप 20 से 25 कर सकते थे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस में क्या क्या आया था। हिंदी में आप 25 से 30 कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो पैसेज जो थी वो सही आई थी। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश का पेपर भी ठीक आया था, इजी आया था, 25 से 30 आप इंग्लिश में भी कर सकते थे। आपने जो भी लैंग्वेज लिया हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपने हिंदी लिया है इंग्लिश लिया है, ऑल ओवर लगभग आपने अगर 115 से 130 तक अगर एक्यूरेसी अच्छी है, देखिए जरूरी नहीं है कि इतना कर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चंस करे हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, भले आपने 110 ही क्वेश्चन क्यों ना किए हो, 110 से 115 तो आपके चांसेस हैं, और भले आपने 130 क्वेश्चन क्यों ना किए हो, लेकिन अगर जीए में सारे आपने तुक्के मारे हैं तो आप फिर भी बॉर्डर पर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई जा रही है हर एक एग्ज़ाम की, तो इसमें ये इतना मान सकते हैं कि देखिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे डिपेंड करते थे, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते थे, करंट अफेयर्स को बहुत कम आते थे, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब जो झेलना पड़ रहा है हानि, उसके वजह से जो करंट अफेयर्स की वजह से तो सबसे ज़्यादा उनको अफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वांट में क्या था। क्वांट में डबल पाई चार्ट आया था, एक बार ग्राफ आया था, एक कैसलेट डीआई आई थी, टेबलेट डीआई भी आई थी, टोटल 20 नंबर की ये थी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए थे 5 नंबर के, और डेटा सफिशिएंसी 5 नंबर का आ गया था, मिसलेनियस क्वेश्चन 10 आए थे। सही है, तो ये आपका क्वांट का पोर्शन है। रीजनिंग में आपके लीनियर और ब्लड रिलेशन आ गया था, पैरेलल लाइंस और सिटिंग अरेंजमेंट आ गया था। कुल मिला के सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन जो थे वो 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। डेटा सफिशिएंसी इसमें भी 5 आए थे, स्टेटमेंट और अजम्पशंस भी आए थे 5 नंबर के क्वेश्चन, और डायरेक्शन के 5 नंबर आए थे, मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चंस रीजनिंग में आए थे। और रीजनिंग और वही मैथ जैसा होता है ये मेंस में टाइम लेता है ये दोनों पोर्शन। मेन जैसा जैसा एग्ज़ाम होता है अधिकतर मेन रीजनिंग मैथ सभी पोर्शन वैसे ही था, लेकिन जो जीए का पोर्शन था जिसमें करंट अफेयर्स जिसने बहुत ज़्यादा बच्चों को सताया है, जो पिछले दे दिए इसने, क्योंकि अधिकतर लोग प्रिपेयर करके नहीं गए थे, जो बच्चे जिन बच्चों ने 5-6 महीने से पहले जो जिन्होंने एसबीआई से तैयारी स्टार्ट करी थी, और जो एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ से प्रिपरेशन स्टार्ट करके कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन जारी रखे थे, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। अधिकतर जितने स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई जिनका एग्ज़ाम जो तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बीच में ब्रेक हो गए थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इसीलिए बच्चों से मैं कहूँगा, जिन्होंने जिनका एग्ज़ाम जैसा भी हो गया है, आप अपने क्लर्क पे ध्यान दीजिए, पहले का थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और अभी से पूरा कंटिन्यू करते रहिए, तब आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के लिए आपका अच्छा होगा। क्योंकि करंट देखिए, कुछ ना कुछ तो वो चेंजेस करते रहेंगे, कितने बच्चे को वो लें ये प्रोसेस करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो अलग देना पड़ता है, और आप हमेशा तैयार रहिए, कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लर्क में भी आ जाए उसके 3 महीने पहले के, हो सकता है क्लर्क में दे दे 3 महीने मतलब लास्ट 3 महीने के दे दे, तो कुछ भी आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप प्रिपेयर अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करिए। जिन बच्चों का अगर 110 के अप्रॉक्स हो गया है, अगर एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो अपना निश्चिंत हो जाए, उनका हो सकता है चांसेस हैं, उनके अच्छे चांसेस हैं, उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। ठीक है, इस पर मैं अलग एक कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा,
तो वो कभी और लेके आऊँगा, अभी केवल एग्ज़ाम का एनालिसिस करना था तो वो मैंने आपको दे दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।